नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। पर्यटन हमें जीवन का दर्शन कराता है, देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है। 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक देश में पर्यटन पर्व मनाया जा रहा है और ये अवसर है हमारे पास पर्यटन से जुड़ने का, देश को बेहतर तरीके से जानने का। और पर्यटन पर्व के अवसर पर हमारे साथ यहाँ दिल्ली के स्टूडियोज में खास मेहमान मौजूद हैं, सभी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज से बीए टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने बीए पर्यटन कोर्स करने की क्यों ठानी? मुझे ट्रैवल राइटर बनना था इस वजह से, और मुझे पता था कि अगर ट्रैवल राइटर कहीं से अच्छे से मैं सीख सकूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज दी बेस्ट। जी, तो आप लिखती हैं जहां जहां यात्रा करती हैं? अभी तक जहां तक गई हूं मैंने उनके बारे में लिखने की कोशिश की है। जी, कहां गई हैं थोड़ा बताइए, इनक्रेडिबल इंडिया का कौन सा स्थान पसंद है आपको? अभी रिसेंटली मैं उदयपुर गई थी, राजस्थान का एक बहुत खूबसूरत सा हिस्सा है जहाँ पे जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। उसको सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं। हमें राजस्थान सुनने से हमेशा लगता है कि हर जगह रेगिस्तान दिखेंगे, पर नहीं, वहाँ पे उसको सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। हर जगह लेक्स है, सुंदर सुंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वहाँ पे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। आपने कहा कि रेगिस्तान सुनते ही पहला स्मरण डेजर्ट का होता है, लेकिन उदयपुर तो लेक्स के लिए जाना जाता है। आपके साथ जो बैठे हैं, आपने पर्यटन का कोर्स क्यों किया? सर, मुझे हमेशा ऐसे ही समाज सुधार वगैरह करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे डिफेंस में जाना चाहिए देश के लिए कुछ करने के लिए। अच्छा। बट आखिरी में मैंने ये निर्णय किया कि अगर देश के लिए कुछ करना है तो जहाँ पर हो वहाँ रह के करना चाहिए। और हमारे देश को आज डिफेंस में नहीं, आर्थिक स्थिति में ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। और वहाँ पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे पास बहुत सारे इस तरीके के उदाहरण हैं। सिंगापुर जैसा देश जो कि पूरी तरह से पर्यटन पर ही स्थित है, तो मेरे हिसाब से अगर हम पर्यटन को ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। जी, आप कहाँ गई पिछले साल दो साल, जिसका उल्लेख आप हमारे दर्शकों के साथ करना चाहें? मैं रिसेंटली उदयपुर गई थी। अच्छा। हम लोग अपने एजुकेशनल ट्रिप के लिए गए थे उदयपुर। यानी जो आप कोर्स कर रही हैं बीए का, उसी में ही इस तरह की एक्सकर्शंस भी होती हैं? हाँ जी। तो हम इसलिए हमें काफी हमें नॉलेज मिली उसके, मतलब कि वहाँ पर क्या क्या, और मतलब टूरिज्म के रिलेटेड हेरिटेज साइट्स के बारे में हमें बहुत पता चलता जी है। तो राजस्थान तो बहुत ही आकर्षण का केंद्र है पर्यटकों के लिए, और कौन से स्थान हैं देश में जो आप कहेंगे पर्यटन की दृष्टि से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं? उत्तराखंड है एक, जहाँ पे काफी सारे एडवेंचरस ट्रिप्स होती हैं, और लेह लद्दाख है जहाँ पे लोग वो स्पेशली लोग उस पर अपनी बाइक्स पर जाते हैं, और तमिलनाडु केरला वो बहुत फेमस है, गॉड जोन कंट्री कहते हैं केरला को। जी, और आप क्या बनना चाहती हैं पर्यटन में, आपको लगता है संभावनाएं बहुत अच्छी हैं? मैं बनना चाहती हूँ, रिजर्वेशन सिस्टम में मैं जाना चाहती हूँ, और ये मैंने बहुत पहले से डिसाइड कर रखा था क्योंकि मुझे लगता है उसके अंदर हमारे देश के अगर ज़्यादा लोग फ्लाइट से तो बहुत इजीली डेवलपमेंट होगा, जीडीपी इंक्रीज होएगी, जितने बाहर से लोग विजिट करेंगे जल्दी जीडीपी ग्रोथ होगा। जी, तो आर्थिक सेहत के लिए। लेकिन अगर दर्शनीय स्थलों की बात करें तो ये वाली साइट तो राजस्थान की बात कर रही है, उत्तराखंड की, आप बताइए कौन सा स्थान है जो आपके दिल के बहुत करीब है? In last year, November, I went on a summer internship to Leh Ladakh for 35 days. Really? So, through my college only. It was a very good experience and मैं वो देख के काफ़ी motivated हुआ कि कैसे एक छोटा सा शहर सिर्फ और सिर्फ tourism sector से ही प्रभावित होकर कितना अच्छा वहाँ पर सारा स्रोत सिर्फ tourism ही है। वहाँ के 90% जनसंख्या directly और indirectly tourism से affect होती है। तो वहाँ इतनी altitude पर जाना, आपको क्या जो है ना आनंद आया लेह लद्दाख में? फ्रैंकली स्पीकिंग, जब शुरुआत में मैं गया तो हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से मुझे सांस की थोड़ी दिक्कत महसूस हुई, तो उसके लिए हमें कुछ टैबलेट्स वगैरह मिलते थे। फिर 5-10 दिन में जैसे जैसे हम एक्लिमेटाइज हुए
तो सब अच्छा हुआ. एंड लेह लद्दाख इज नोन फॉर द डिफरेंट शेड्स ऑफ स्काई. Yes. So it is a very beautiful city. तो ये भी एक पर्यटन की संभावना है कि आप जहाँ जाएं आप सैलानी को पहले से बताएं कि किस तरह की तैयारी करनी जरूरी है. बिल्कुल सर, मैं थोड़े टाइम पहले मैं बनारस गया था. अच्छा. लेकिन लोगों को लगता है बनारस सिर्फ मंदिर वगैरह के लिए जाते हैं. हुँ. लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, इट इज वन ऑफ द आई हैव सीन कल्चरली इंटीग्रेटेड सिटी इन द वर्ल्ड. तो अगर हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे कल्चर इतना रिच है, वहाँ पे हिंदू मुसलमान सब समाज के लोग एक साथ रहते हैं, और वहाँ पे वहाँ का फूड कल्चर बहुत. क्या खाया आपने बनारस में? मेरे को वहाँ की लस्सी बहुत पसंद है और बनारसी पान मगही पत्ते के साथ. आप बनारस से बनारसी साड़ी लाए कि नहीं? नहीं, मैं नहीं ला पाया. नहीं लाए जी बनारसी साड़ी. आपको कौन सा स्थान पसंद है भारत का? मुझे केरला जाने का बहुत शौक है. आई हैव नेवर बीन थ्रू वेंट देयर. बहुत मन है मेरा जाने का. एंड वहाँ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कुछ है, बैक वाटर्स है आपके और फुल ग्रीनरी और सब कुछ. मुझे नेचर से बहुत प्यार है. जी, तो नेचर से जिनको प्यार है उनके लिए पर्यटन है. और पर्यटन पर्व के मौके पर आज गुड इवनिंग इंडिया के इस विशेष अंक में हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा और उनसे हम पर्यटन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे. और पर्यटन पर्व मनाने के लिए विशेष पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है. आइए उनका परिचय आपसे कराऊं. हमारे साथ हैं डॉक्टर कुमार आशुतोष. नमस्कार डॉक्टर आशुतोष. आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज के. साथ ही प्रणब सरकार जी हमारे साथ हैं. स्वागत है आपका प्रणब जी. प्रणब सरकार जी प्रेसिडेंट हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के. वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर मनोज नेसरी का. डॉक्टर मनोज नेसरी सलाहकार हैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार में. और साथ ही डॉक्टर अरविंद आलोक हमारे साथ हैं. आप चेयरपर्सन हैं बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट डेवलपमेंटल काउंसिल के. डॉक्टर अरविंद आलोक आपसे शुरू करूंगा. स्टूडेंट्स ने तो अपनी अपनी राय रखी कि उनके पसंदीदा स्थान कौन से हैं, लेकिन इससे हटकर आपका सबसे पसंदीदा कौन सा है जो आपको लगता है कम एक्सप्लोर्ड है लेकिन आप कहेंगे युवा जरूर जाएं? पर्यटन की सम्यक जानकारी के लिए जितने भी हमारे राष्ट्र के प्रदेश हैं अगर उनकी यात्रा करेंगे तो भारत के संपूर्ण पर्यटन की व्यवस्था को आपको अनुभव होगा. अब कोई जाता है राजस्थान, कोई गया लद्दाख. लद्दाख तो मैं हर महीने ही जाता हूँ क्योंकि बुद्धिस्ट से रिलेटेड है. आप जाइए उड़ीसा, आप जाइए केरला, आप जाइए आंध्र प्रदेश, आप जाइए हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, हिमालय टूरिज्म, पूरे देश में जहाँ भी जाइए. और केवल स्थान ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, उस जगह का, उस भूभाग की संस्कृति, उसका परिवेश, उसका नृत्य, उसका भोजन, समग्र जो रूप है वो पर्यटन की दशा और उसका चिंतन तय करता है. डॉक्टर मनोज नेसरी, आप हाल फिलहाल किसी यात्रा में गए हो और जिस चिंतन का जिक्र डॉक्टर आलोक कर रहे हैं उससे जुड़ी कोई वाक्या आप साझा करना चाहें? जैसे लद्दाख की अभी बात चल रही थी, तो लद्दाख तो टूरिज्म का तो सेंटर है ही, लेकिन लद्दाख में आमची करके एक सिस्टम है. आमची, तो आमची मतलब ये आयुर्वेद का ही एक दूसरा आप नाम कह सकते हैं, या क्योंकि उसका बेस आयुर्वेद रहा. और अष्टांग हृदय ये आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है. 8वीं शती में उसका बुद्धिस्ट लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन हुआ और तब से जाके ये चिकित्सा पद्धति वहाँ पे की जाती है. तो आमची कहते हैं या उसको सोवारिकपा, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है. तो भारत सरकार का जो IMCC एक्ट 1970 है, तो 2010 में उसको राज मान्यता मिली और उसको अंतर्भाव किया गया वो इस एक्ट में. तो इसमें हिमालय के प्रदेश में जो मिलने वाले कई सारे पौधे हैं उसको भी प्रयोग में लाया जाता है. वहाँ पे एक सिस्टम है, वहाँ पे कल्चरल मिनिस्ट्री के अंडर एक बुद्धिस्ट स्टडीज़ का कॉलेज भी चलता है जिसके अंदर वहाँ पे जो आमची सिस्टम है, जो सोवारिकपा है, वो भी पढ़ाया जाता है. और ये बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है जी. और चाहे आयुष की पद्धतियां हो या सोवारिकपा, ये सारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है. तो ये सोवारिकपा है, ये आयुष पद्धति का ही एक हिस्सा है. तो इसलिए मैंने कहा कि जब लद्दाख की बात चल रही थी तो ये भी लोगों को पता चलना चाहिए. जी बिल्कुल. और जो बुद्धिस्ट की बात जो चल रही थी, तो आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार सभी जगह देश में और विदेश में बुद्धिस्ट साहित्य के माध्यम से बहुत ज्यादा हुआ. और आपको लगता है पर्यटन हमें सेहत दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है. शारीरिक सेहत, मानसिक सेहत, पर्यटन में हमें ये भी देखना चाहिए कि पर्यटन में केवल जो स्थल है वो नहीं, तो वहाँ के लोगों का जो आहार विहार और उनकी जो एक रहन सहन की जो पद्धति है, वो वहाँ की जो ओवरऑल जियो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके साथ में वो मिलित है, उसके अनुसार है वो.
और उसका पूरा जो प्रावधान है वो आयुर्वेद ने दिया हुआ है कि किस देश में कैसे रहना है, किस देश में कैसे खाना है, आपका परिधान क्या होना चाहिए। जैसे राजस्थान में जो कपड़े पहनते हैं और लेह लद्दाख में जो कपड़े पहनेंगे, दोनों में बहुत अंतर है जी, लेकिन दोनों बहुत साइंटिफिक है जी। बिल्कुल, तो यही सबसे ज्यादा रोचक बात होती है कि आप जिस भी स्थान पे जाएं वहां पर आपको अलग वेशभूषा दिखेगी, अलग भाषा दिखेगी। लेकिन एक बहुत ही रोचक बात मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगा, आप तो 2017 में कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी से पढ़ रहे हैं, कौन से साल में आपका CVS एस्टेब्लिश हुआ था? 1972। और पहले ही बैच के स्टूडेंट यहां हमारे साथ बैठे हैं, पहले ही बैच के स्टूडेंट। सर मैं स्टूडेंट से पूछ रहा था, मैं आपसे पूछूंगा, 1972 में जब CVS में टूरिज्म का ये BA प्रोग्राम शुरू हुआ, आपने क्या सोचकर ज्वाइन किया था 72 में? मैं इसलिए ज्वाइन किया था, मैं ज्योग्राफी में टॉप करता था। अच्छा, तो मेरे को ज्योग्राफी के लिए फ्यूचर कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं क्या बनूंगा। तो मेरे एक मदर के मित्र थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि ये ज्योग्राफी के साथ अगर ये पर्यटन का कुछ काम हो सके तो उसमें जो है, उसी साल ये कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ खुला था, तो उन्होंने राय दी थी कि अगर इसको ज्योग्राफी भी अच्छा है, तो मेरे को पर्यटन का भी बड़ा शौक था, तो जो सभी को होता है, तो मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने राय दी थी कि अगर आप पर्यटन का करेंगे तो एक तो आपको नौकरी मिल सकती है साइड में, एक अगर लैंग्वेज सीख लेंगे तो आपका बड़ा अच्छा करियर बन सकता है। तो उसी के साथ मैंने इसको एक पर्यटन में जाने के लिए जो मेरी एक पुरानी इच्छा थी उसको मैंने हॉबी बनाया और मैं इसमें शामिल हो गया। चूँकि मैं उससे पहले एक कॉलेज में एडमिशन ले चुका था, वेंकटेश्वर कॉलेज में कॉमर्स के लिए, क्योंकि उसमें नौकरियाँ मिलती थी पहले अकाउंट्स में, तो उसको छोड़ के मैं इसमें आया था और उसी ने मुझे रास्ता दिखाया और उसी में मैं आगे बढ़ता गया और आज मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ कि जो है मैं जहाँ पर भी हूँ। मैं लैंग्वेज भी सीखी, कोई लैंग्वेज रशियन सीखी थी, अब यूज नहीं कर सकता हूँ तो इसलिए मैं उसको मैं भूल चुका हूँ। आप में से कोई है जो फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है? जी, कौन सी भाषा सीख रहे हैं आप? जी माइक दीजिए इनको। जी सर, मैंने फ्रेंच कर रखी है B1 तक, एडवांस्ड लेवल, सो आई कैन स्पीक फ्रेंच राइट नाउ। थोड़ा बोल के बताइए इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में कुछ फ्रेंच में। लैंड दे द थ्री बेल पे ऑन एंड। Let me guess, you're saying it's a beautiful, incredible country. We, yeah. Has to be. Yes. We. आपने कौन सी भाषा सीखी है? I'd started learning French. मतलब I'd just joined the French classes from this month only. Okay. And which language have you learned? So I'm learning German. Deutsch language. अच्छा। और डॉक्टर आशुतोष, आप क्या कहेंगे कि कौन सी, जैसे सर ने रशियन सीखी, स्टूडेंट्स फ्रेंच सीख रहे हैं, कौन सी प्रेफरेंस में है इस समय भाषा? देखिए, अभी जो सबसे प्रेफरेंस में भाषा है वो स्पेनिश है। उसका रीजन क्या है? स्पेन वैसे भी वर्ल्ड का नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट रिसीविंग कंट्री। उसके अलावा जितनी भी लैटिन अमेरिकन कंट्री है, इवन अमेरिका में, USA में भी स्पेनिश लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज, उसको सीखने से क्या होगा, इनके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। जो इनबाउंड टूरिस्ट आएंगे हमारे यहाँ, या इनको बाहर जाना हो, इनको कोई जॉब ऑप्शन चाहिए होगा, तो काफ़ी सारे उनके लिए द्वार खुल जाएंगे। स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच काफ़ी कॉमन हो गया है। ओके। और जापानीज एक लैंग्वेज है जो टफ तो है लेकिन काफ़ी, मतलब कि जैसे कि सर यहाँ पे बुद्धिज्म के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, बुद्धिज्म के लिए सबसे बड़ा मार्केट है तो जापानी है, जापान में है, तो वहाँ से जो लोग आते हैं, जो जापानी जाते हैं, उनकी भाषा में आप बात करें, उनसे इंटरेक्ट करें वैसे, तो काफ़ी फर्क पड़ता है जी। आप में से कोई है जो स्पेनिश या जापानी सीख रहे हैं? जी आप बताइए कुछ स्पेनिश में बोल के। सर मेरा अभी जापनी स्टार्ट हुआ है तो आई हैव अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत, यू नो, आई नो लिटिल बिट ऑफ स्पेनिश, सोए एस्टुडियांटे दे एस्पान्योल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ स्पेनिश। लेकिन सर अगर मुझे स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रेटेजी बहुत बनाते हैं, ज़्यादा टूरिस्ट कौन से देश से आ रहे हैं कि मैं उस भाषा को प्रेफरेंस दूं? मैं इस बारे में कहूँगा कि जो चाइनीज टूरिस्ट है तो चाइना में बिल्कुल अंग्रेजी नहीं बोलते, तो उनको सबसे पहले चाहिए। यूरोपियन कंट्री से कोई भी आता है तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी में वो काम चला लेता है और उस पर सारे काम निकल सकते हैं। हाँ, तो वो ट्रैवल वही करते हैं जो थोड़ा बहुत वो अंग्रेजी आता हो, बट चाइनीज में क्या होता है कि चाइनीज में कोई ऐसा नहीं होता है जो अंग्रेजी बोल ले, तो चाइनीज नंबर वन दूंगा मैं। दूसरी और अपकमिंग भाषाएं हैं, जैसे बुद्धिस्ट सेक्टर के लिए मैं हूँगा, थाई लैंग्वेज में गाइड्स नहीं मिलते हैं। अच्छा जी, थाई लैंग्वेज में नहीं है, कोरियन लैंग्वेज है, बट वियतनामीज नहीं है, वियतनाम अभी शुरू हो रहा है और अभी हाई
बढ़ता जा रहा है, मगर वियतनाम की पॉपुलेशन इतनी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी। मगर जो ज़रूरत हमें इस वक्त है, जो कि वो चाइनीज़ में आए हमारे पास इस वक्त, जैसे मैं बताता हूँ 150-200 चाइनीज स्पीकिंग गाइड है, शॉर्टेज है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर आशुतोष आप कह रहे हैं चाइनीज सीखना आसान नहीं है। आसान नहीं है, बट मैं आपको बता दूं, हमारे स्टूडेंट्स जो है, जो मेडिकल पढ़ने जाते हैं, वो 6 महीने में चाइनीज सीखते हैं, फिर मेडिकल पढ़ते हैं वहाँ पे। इसलिए कि सरकार साहब ने कहा, और मैं कम से कम 30-35 बार चाइना गया हूँ, और सब टूरिज्म मेरे लेक्चर्स होते हैं, और मैं किस लिए जाता हूँ, आई जस्ट गो टू tell the people that how important it is for them to visit the Buddhist destination of India. Now, what is the importance? Please also clarify. The Buddhism is important. Buddhism starts with tourism. Buddha says, charata bhikkhave charikam bahujan hitaye bahujan sukhaye bhavatu sabba mangalam. Buddha himself set an example that he will not confine to a place even during discourses. Roj ghumte the. और जितने भिक्षु होते थे उनको घुमाते थे, तब मगध था, वैशाली था, अंग था, कौशल था, काशी था, ये 16 महाजनपदों में भ्रमण करते थे भिक्षु और भगवान बुद्ध स्वयं भी। तो तब से पर्यटन ये शुरू होता है, और जैसा इन्होंने कहा, स्वास्थ्य बुद्ध खुद कहते हैं, स्वास्थ्य परमो लाभ निब्बानम परम सुखम, हे पुत्र तुझे निर्वाण भी नहीं मिलेगा अगर तेरा अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। तो ये जो हमारे बौद्ध के पुरावशेष है देश में, अभी सरकार साहब हैं और ये सारे लोग जानते हैं, बुद्ध धर्म के प्रति, बौद्ध संस्कृति के प्रति इतनी रुचि बढ़ी है। मैं बताऊं कि मैं अर्जेंटीना जा रहा हूं, क्यूबा जा रहा हूं, ब्राजील जा रहा हूं, ये सारे लोग जाते हैं बुद्ध को पढ़ते, और जब पढ़ने के बाद कहते लेट्स गो टू इंडिया, तो वहां स्पेनिश सीखनी चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगा चीनी भाषा को प्राथमिकता दे। चीन को अगर हमने समझा लिया कि उनका भारत में आना जरूरी है, और बुद्ध धर्म उनके लिए, या तो वहां कोई धर्म मानता नहीं है और मानता है तो बुद्ध धर्म है। जी। आपको विश्वास होगा कि एक एक मोनास्टीज में, अभी फिर जा रहा हूं, 10-10 हजार भिक्षुणियां है, यंग नंस, दे नो इंग्लिश ऑल्सो, बट इफ यू हैव ए चाइनीज गाइड हियर एज ही टोल्ड, इट विल वेरी कंफर्टेबल फॉर देम। जी, बिल्कुल। तो चीनी भाषा का सीखना प्राथमिकता हो, साथ में जापानी, साथ में कोरियन, और अगर वियतनामी और थाई सीखते हैं तो बहुत ही उत्तम है। जी बिल्कुल। लेकिन जब भी हम पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटक कहता है कि आप मुझे बताइए सर्किट क्या रहेगा, मैं टूर कैसे बनाऊं, दिल्ली आगरा जयपुर तो अब काफी लोकप्रिय हो गया, लेकिन अगर मुझे सेहत की दृष्टि से देखना है, मुझे यहाँ भ्रमण भी करना है, और मैं चाहता हूं मैं आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से सेहत लाभ भी लूं, तो सर्किट क्या बन सकता है, टूर कहाँ बनाऊं? आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम सर्किट की बात करें तो आयुर्वेद और योग, इन दोनों को हमने एक साथ देखना चाहिए जबकि हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज देश विदेश में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित हुआ है वो योग है, और अभी आपने देखा कि आयुर्वेद दिवस भी मनाया गया, तो आयुर्वेद भी बहुत प्रचलित है, तो आयुर्वेद और योग को साथ में जोड़ना चाहिए। तो आयुर्वेद और योग को अगर हम देखें तो जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, ये एक वो आपको सेक्ट मिलेगा कि यहाँ पे आयुर्वेद और योग ये काफ़ी प्रचलित है। फिर दूसरा आपको मिलेगा गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरला है, और कर्नाटक। तो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र से होकर आप कर्नाटक से केरल तक जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये दोनों बहुत मिलेगा, और वहाँ पे अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और जो हम टूरिज्म की बात करते हैं तो उसमें मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म, ये दोनों की उसमें बात आती है। जी। वेलनेस मतलब कि जिसको हम कहते हैं कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, कि आपका जो स्वास्थ्य है उसको बनाए रखे, तो उसके लिए भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, और उसमें स्पिरिचुअल टूरिज्म का सबसे बड़ा योगदान है जी। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो भारत के सिवा और कहीं नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। एंड एज दे से दैट इफ यू रिप्लेस आई विद वी देन इलनेस बिकम्स वेलनेस, लेकिन टूर ऑपरेटर की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि कहीं भी पर्यटक बैठा है विश्व भर में, वह टूर ऑपरेटर को फोन करेगा और कहेगा कि बताइए टूर बनाइए, तो आप टूर ऑपरेटर की अहमियत कैसे बयां करेंगे? देखिए, हमारा जो देश है ना, इसमें इतनी विविधता है, मैं समझता हूँ इतनी विविधता दुनिया की किसी और देश में है ही नहीं, क्योंकि हमारे देश में जो सीजनेबिलिटी है, आप किसी भी वक्त बोलिए मैं टूर ऑपरेटर हूँ, मुझे स्नो देखना है, मैं आपको स्नो दिखा सकता हूँ, चाहे वो जून जुलाई का महीना क्यों ना हो। अच्छा, तो ये है।
तो और इसी तरह अगर आपको बोलेंगे कि मैं यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, मुझे ठंडा मौसम चाहिए, मैं पहाड़ पे बहुत अच्छा मौसम में ले जा सकता हूँ आपको। अच्छा। और किसी को कहना है कि ये यहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है तो मैं जो है सर्दियों में घूमना चाहता हूँ तो मैं उसे डेजर्ट घुमा दूंगा। अच्छा, तो ये जानकारी सारी टूर ऑपरेटर के पास रहती है? जानकारी सारी टूर ऑपरेटर के जाती है, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास सारी नॉलेज होती है, क्योंकि वो नॉलेज प्रोक्योर करता है, क्योंकि उसका व्यवसाय बन जाता है। तो जब वो व्यवसाय बन जाता है तो उसके लिए सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बच्चों से पूछेंगे कि आप यहाँ गए हो वहाँ गए हो, ये ज़्यादा जगह नहीं जा पाएंगे। एक पूरा लाइफ टाइम कम है हमको सारा भारतवर्ष देखने के लिए। टूर ऑपरेटर की बेनिफिट रहेगा अगर हम कर लें। हाँ, कम समय में ज्यादा दर्शन, ज्यादा दर्शन। और उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको जगह विजिट कराएंगे और उसकी जानकारी देंगे, क्योंकि सिर्फ एक जैसे कुतुब मीनार चले गए, कुतुब मीनार देख के वापस आ गए तो आपने कुतुब मीनार देख लिया, हाजिरी लग गई, बट कुतुब मीनार कैसे बना, किन लोगों ने बनाया, कितने लेबर लगे, कहाँ से पत्थर आए, कहाँ कितना स्टील लगा, कौन से राजा ने बनवाया और उसमें उसके बाद कितनी चढ़ाइयाँ हुई, कैसे टूटा, ये सारी चीजें जो है उसमें अंतर आ जाएगा कि अगर एक टूर ऑपरेटर उसको लेके जाएगा। मैं आपको उदाहरण दूं, प्रणब सरकार जी मुझसे पूछ रहे थे आप ले लद्दाख होके आए हैं, तो हमने कहा हाँ, जैसे आप होके आए हैं, फिर उन्होंने कहा कि आपने डबल हम पली कैमल पे बैठे, हमें पता ही नहीं था कि भाई डबल हम पली कैमल भी होती, तो उसका रोचक उसका आकर्षण अपना है। जी आपका सवाल। सर, जैसे कि आपने अभी बोला कि बुद्धिज्म टूरिज्म और योगा टूरिज्म की वजह से लोग इंडिया में आते हैं, एक्चुअली मैं मेरे फादर जापान रहते हैं तो मैं जापान गई थी, तो वहाँ पर बुद्धिज्म का बहुत इन्फ्लुएंस है, लोग बुद्धिज्म को बहुत फॉलो करते हैं, बट द ओनली रीज़न दे वॉन्ट टू कम टू इंडिया, दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर इंडिया योगा से रिलेटेड बुद्धिज्म, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइज कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपना कल्चर और अपना ट्रेडिशन भूलते जा रहे हैं। सो उस चीज़ को हम कैसे अपने आप को सही रख सकते हैं? उसके लिए जो सही है, संस्कृति से आप सीधा सरोकार करो। संस्कारम सत्यम, सत्यम संस्कारम। कुछ जो संस्कार होते हैं व्यक्ति के जन्म में होता है और कुछ परिवेश में होता है। आपको जन्म से भी संस्कार मिला और परिवेश भी है। मुझे कई बार जापान जाने का मौका मिला और जब प्रधानमंत्री की प्रथम यात्रा हुई वहां और आप जब टेम्पल में गए, मैं आपको बताऊं अगर कोई भारत जाता है ना, हम लोग भी जाते हैं, तो हमारे हाथों को छूकर देखता है कि कहीं बौद्धिक तत्व तो नहीं है। मैं तो एक प्रोफेसर हूं, आचार्य हूं, इतनी दिलचस्पी है, इतनी आस्था है कि केवल कोई भारतीय जाए तो स्वतः ही आप में शामिल होता है। और पर्यटन की दृष्टि से अभी इसीलिए मुझे भी इन लोगों ने बुलाया कि ये जो आध्यात्मिक है, ये बौद्धिक है, भगवान बुद्ध से जुड़ने वाला, ये अलग अलग सिखिज्म का भी हब है, जैनिज्म का भी है, हिंदुइज्म का भी है, तो ये सारे अध्यात्म एक बहुत ही सुपरिचित विषय बन गया है विश्व में, जापान में, कोरिया में, थाईलैंड में, पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, मेरे तो सबसे संपर्क करते हैं। मैं 60 देशों की यात्राएं जो किया है मैंने इसीलिए किया, तो वो परिवेश आप जोड़िए। और आप लोग युवा है, बुद्ध कहते हैं सुखम यवा जराशीलम, हे युवा तू अपने में ऐसा शील उत्पन्न कर कि तुझे सुख प्राप्त होगा जी। फिर बुद्ध कहते हैं अत्थम धर्मश्च दीपते मधुरम तस्सभासितम, हे पुत्र केवल धर्म को व्यक्त करने से लाभ नहीं होगा, धन अत्थम धर्मश्च मधुरम तस्सभासितम जी, मींस जिसमें अर्थ भी हो धर्म हो उसी वाणी का वैल्यू है और उसी से सम्यक शांति और सुख की प्राप्ति होती है जी। और पर्यटन में रोजगार के अविस्मरणीय अविस्मरणीय भविष्य है। बिल्कुल, रोजगार पर भी इसी जी। सब को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा मैं कि आयुर्वेद ने बताया धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, चाहे धर्म हो, अर्थ हो, काम हो और मोक्ष हो, ये चारों चीजों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आरोग्य है। और इसके साथ में जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा इतिहास कितना वैभवशाली रहा जी। और कितना हम आगे रहे जी। ये भी हमें पता होना जरूरी है। जैसे एक दो एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अभी हम जो बात कर रहे हैं तंजावर और सरस्वती महल, अच्छा ये भी एक बहुत बड़ा टूरिज्म प्लेस है और हो सकता है कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन तंजावर का सरस्वती महल जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी की स्थापना करी महाराजा सरफोजी राजे भोसले। तो कैसे जाया जाए वहां पर? तंजावर ये आता है तमिलनाडु के नजदीक आता है। अच्छा। तो वहां पे तंजावर है और अच्छा। वहां पे सरफोजी राजे भोसले, मतलब आप अगर इतिहास जानेंगे
तो तंजावर में वो मराठा डायनेस्टी थी और अच्छा। एक शिवाजी का एक जो वंशज था जी। उनका भाई, तो वहां से एक्चुअली शुरुआत हुई। तो सरफोजी राजे भोसले ने वहां पे सरस्वती महल लाइब्रेरी की स्थापना करी। अच्छा जी। और केवल लाइब्रेरी के नहीं, तो वहां पे जितना भी लिखा हुआ है उसमें पूरा लिखा है कि पब्लिक हेल्थ में जो सर्जन होता है तो सर्जन के लिए कितना मानदंड होना चाहिए, और जो फिजिशियन होता है उसके लिए कितना होना चाहिए। सरफोजी राजे ये राजा थे, लेकिन ये खुद एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट थे। अच्छा। और ये मैं बात कर रहा हूँ 18वीं शती की, कि जब एलोपैथी अस्तित्व में नहीं थी। तो ये सारा आयुर्वेद है और ये सारा आयुर्वेद में था ये जी। तो ये हमें पता नहीं होता है, ये हमें जानना चाहिए। दूसरी बात, विश्व की सबसे पहली रिसर्च लेबोरेटरी सरफोजी राजे ने बनाई वहीं पे तंजावर में। अच्छा। और ये रिसर्च लेबोरेटरी मेडिकल लेबोरेटरी और कहीं नहीं थी। यानी अगली बार जब हमें से कोई तमिलनाडु जाए तो ये स्थल जरूर हो गया। बिल्कुल, ये देखना चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम देखते हैं, कहते हैं कि जो पब्लिकेशन होना चाहिए, जर्नल्स होना चाहिए, लेकिन विश्व का पहला जो मेडिकल जर्नल जो है वो आयुर्वेद का जर्नल है। अच्छा। 1908 में वो एक्चुअली पब्लिश हुआ, और आर्य बिशक उसका नाम। अच्छा। इसकी हमें पता नहीं है। और ये शुरू हुआ नासिक से, नासिक में त्र्यंबकेश्वर में, वहां से शुरुआत हुई। और पंडित उस समय के वैद्य थे शंकर शास्त्री पदे, तो उन्होंने उसकी शुरुआत करी। तो ऐसे कई सारी महत्वपूर्ण चीजें, जैसे नालंदा है जी। तो नालंदा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद पढ़ने के लोग वहां पे आते थे। नालंदा का मेरा जन्म स्थान नालंदा है, मेरा जन्म वहीं हुआ। तो वैसे ही काकाटिया आंध्रा में है। तो ऐसी बहुत सारी डायनेस्टीज है कि इनके बारे में हमें पता नहीं है जी। और जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। जब काकाटिया डायनेस्टी की बात हो रही है, बाकी चीजों की बात, इसका मतलब जो स्टूडेंट पर्यटन से जुड़ना चाहे तो क्या डॉक्टर आशुतोष वह इतिहास का भी अच्छा विद्यार्थी हो भूगोल के साथ साथ? देखिए, इतिहास काफ़ी हेल्प करता है। अब हमारे टूरिज्म का जो सबसे मेजर कंपोनेंट है वो कल्चरल टूरिज्म है। कल्चर में डांस, म्यूजिक, एटिकेट्स, आपके बोल, रहन सहन, खाना पीना, फेयर्स, फेस्टिवल, सब कुछ आ जाते हैं। तो इतिहास से आपको एक फ़ायदा क्या होता है कि जब आप किसी से कल्चरल टूरिस्ट आपके पास आ रहे हैं या इनबाउंड टूरिस्ट आ रहा है, उनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं या उनके टूर आइटिनरी बना रहे हैं, तो आपके पास एक बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। और इतिहास जो है टूरिज्म से हट ही नहीं सकता है, वो एकदम उनका कोलैटरल रिलेशनशिप है, समानांतर चलते हैं दोनों जी। और इतिहास के पढ़ने से एक फ़ायदा इनको ये होता है कि जितने भी हमारे पास बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे पैलेसेज हैं, उसकी जानकारी हो जाती है। उसका रहन, उसका कैसे रखाव कर रखना है, रखरखाव कैसे होगी, कैसे उसको आगे टूरिस्ट को हम उसको प्रोजेक्ट करें, इसमें काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। नॉर्थ ईस्ट की बात करना चाहूँगा, आप में से कोई है जो पूर्वोत्तर राज्य गया है किसी भी 8 राज्य में, या आप क्या जानकारी रखते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, बताइए या क्या देखना चाहेंगे? सर, जैसा कि मैं एक डिफेंस पर्सनल फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो बचपन से ही मैंने बहुत अलग अलग जगह देखी है अपने बॉर्न होने के साथ साथ अभी तक। तो सर, मैं मेघालय शिलोंग, अच्छा, मैं पापा की पोस्टिंग थी, तो मतलब वहाँ जाने का मुझे पता चलता है कि इट इज़ कल्चरली विविड एंड बहुत ही अच्छी प्लेस है टू विजिट। और मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, वहाँ तो बारिश बहुत होती है जी, बहुत बारिश होती है। उससे की थोड़ा सा अपर शिलोंग जाएंगे तो चेरापूंजी है, चेरापूंजी, जिसको हम जानते हैं कि हाईएस्ट रेनफॉल होती है वर्ल्ड की। यस। तो सर, जो रेनी सीजन होता है बस वही एक टाइम होता है जब थोड़ा सा दिक्कत होती है जी। बाकी तो पूरा टाइम जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। बिल्कुल। और मेघालय में तो ऐसे लगता है कि बादल आपके साथ ही है। और कोई जो पूर्वोत्तर के बारे में कोई जानकारी रखता है, साझा करना चाहेगा नॉर्थ ईस्ट के बारे में, सिक्किम के बारे में, असम के बारे में, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये बहुत खूबसूरत राज्य हैं। प्रणब जी, नॉर्थ ईस्ट की कैसे रुचि और लाएं स्टूडेंट्स के बीच में? ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट जो पहले टूरिज्म के लिए कोई प्रचार इत्यादि नहीं करते थे, तो अभी जो है वो लोग काफ़ी समझ चुके हैं कि जैसे किसी ने कहा कि अपने ही गाँव में अगर नौकरी मिल जाए तो पर्यटन ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से कि नौकरी भी हो सकती है और रोजगार भी हो सकता है और अपना काम भी चल सकता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ के लोगों ने शुरू करा है होम स्टे। अच्छा। होम स्टे से क्या होता है कि जो है अपना घर है, 2-4 कमरे हैं, तो एक कमरा या 2 कमरा वो क्या करते हैं पर्यटक के ले देते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होटल की सुविधा नहीं है। तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छा उपक्रम दिखाया है, जिस वजह से वहाँ पे अच्छे अच्छे टी गार्डन्स हैं। अच्छा। उसी गार्डन में रहने का, फिर वहाँ का जो टी प्रोड्यूसिंग करते हैं वो सब देखने का और मनोरम दृश्य का आनंद लेना। वहाँ पे कई अच्छे लेक्स हैं, कई अच्छे रास्ते हैं, माउंटेन ट्रेन है जी, बहुत कुछ देखने को है। तो वहाँ से वो शुरुआत है। और अभी जो है
गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा पैसा दिया है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, काफ़ी इंडस्ट्रीज आ रही है जिस वजह से होटल्स भी वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे वहाँ का प्रचार हो रहा है, क्योंकि किसी भी स्टेट का टूरिज्म बढ़ने के लिए ना सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो टूरिस्ट जाएगा, जब टूरिस्ट जाएगा तो वहाँ के लोगों को खुशहाली होगी, तो ये सारी चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। रोड्स अच्छे होने चाहिए। नॉर्थ ईस्ट पे क्या था कि पीछे जो भी ये उग्रवादी कार्यक्रम होते थे वहाँ पे, जो उसका बहुत गंदा प्रचार रहा जिस वजह से टूरिस्ट नहीं जाते थे, अभी वहाँ पे काफ़ी कंट्रोल हो चुका है और उस वजह से जो धीरे धीरे वहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं, काफ़ी इंक्वायरीज आ रही है, हमारे देश के लोग ज़्यादातर जाते हैं वहाँ पे, तो ये अभी प्रचार में आ गया है, लोग देखना चाहते हैं। वहाँ का कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत शानदार है, वो एकदम अलग है जो हमारे नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया का जो कल्चरल एक्टिविटी है वहाँ से बिल्कुल अलग है। और वहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या है कि वहाँ एजुकेशन लेवल अच्छा है, वहाँ पे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। बिल्कुल। और ये जो वाइब्रेंट आपने कल्चर की बात की है उसकी एक झलक हम आप सबको दिखाना भी चाहेंगे। क्या आप जानते हैं मणिपुर में एक लेक है लोकटाक लेक, जो कि फ्रेश वाटर लेक है और उसे फ्लोटिंग लेक कहा जाता है। और बिहू की बात हो असम की, या फिर रासलीला की डांस, उसकी ड्रेस देखेगा बहुत खूबसूरत होती है, या फिर अगर आप मेघालय चले जाएं या त्रिपुरा, वहां के पाइनएप्पल्स सबसे मशहूर। ये विभिन्न रंग आज गुड इवनिंग इंडिया में हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय पर्यटन पर। हमारे साथ यहाँ पर युवा ऑडियंस है। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? अभी हमने 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट करा था, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल टूरिज्म। तो इंडिया में सस्टेनेबल टूरिज्म को डेवलपमेंट के लिए हम कैसे कर सकते हैं? और जी, आपका सवाल? सर, मेरा सवाल आपसे है, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट का बताया कि वहाँ पे बहुत खूबसूरत जगहें हैं लेकिन वो काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड हैं, इतने टूरिस्ट नहीं जाते वहाँ पे। अगर देखा जाए तो एक्सेसिबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, तो क्या हो सकता है कि आने वाले टाइम में कैसे हम उनकी फैसिलिटीज़ ट्रांसपोर्ट की अच्छी कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ जाएं? जी, आपका सवाल? सर, मेरा सवाल ये है कि सर, टूरिज़्म एंड टेररिज्म से रिलेटेड, सर हम टूरिस्ट की सिक्योरिटी लेवल कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कोई भी सैलानी आए, कैसे उसकी सुरक्षा हम कर पाएं? जी सर, इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने भाषाओं का जिक्र किया था, तो हम दूसरी भाषाएं तो सीखना चाहते हैं लेकिन हम अपनी भाषा को कहीं नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हिंदी भी दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि लोग हिंदी सीखना चाहें, जो तीन भाषा हमसे ज़्यादा बोली जाती है वो हिंदी बोलना सीखना चाहें। और हिंदी की जननी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिंदी बहुत प्यारी भाषा है, देश की राजभाषा है, लेकिन हिंदी की जो जननी है संस्कृत, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, संस्कृत हमारे सारे वेद संस्कृत में, ये हमारे कल्चर है सर, संस्कृत हमारे खून में। क्या भैया, डॉक्टर मनोज नेसरी, अगर भाषाओं की बात करें खासतौर पे संस्कृत और हिंदी दोनों की ही? बिल्कुल, संस्कृत की अगर बात करें तो पूरा जो हमारा टूरिज्म है तो उसका बेस संस्कृत में हमें बहुत कुछ मिल सकता है। टूरिज्म के साथ में हमने आर्कियोलॉजी है, हिस्ट्री है, इसको जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पूरा कल्चर है वो हमें संस्कृत में मिलता है। और विदेश से जितने भी सैलानी आते हैं, कई सारे लोग होते हैं कि जिनको एक्चुअली भारत क्या है वो जानना है, उनके दिमाग में भारत की एक संकल्पना कुछ अलग है कि भारत मतलब केवल सपेरे और इस प्रकार से लोग हैं, तो इस प्रकार से कई लोगों के मन में संकल्पना है। तो कई चीज़ों में भारत ये जो है वो हमारे अब धरोहर बहुत विशाल है और कई चीज़ों में हम अग्रेसर थे और अग्रेसर हो सकते हैं ये, लेकिन लोगों को पता नहीं है। अब जैसे बनारस की बात जब चल रही थी,
तो काशीराज दिवोदास, तो काशीराज दिवोदास मतलब सुश्रुत का नाम है, तो सुश्रुत इज द फर्स्ट सर्जन इन द वर्ल्ड, और सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जन का जनक माना जाता है, प्लास्टिक सर्जरी का। अब यह बहुत लोगों को पता नहीं है। उसी प्रकार से निमी, तो ऑप्थल्मोलॉजी जो है नेत्र चिकित्सा है, नेत्र सर्जरी है, वो निमी करके सर्जन था। चरक जो है वो सबसे बड़ा फिजिशियन था, और चरक का जो मूल स्थान है वो हिमालय में है और कोटद्वार उस स्थान में है। तो ये अलग अलग चीज़ें जो है वो भी हमें एक्चुअली लोगों को सिखानी चाहिए, और ये संस्कृत अगर हमें अच्छी आती है तो हम सिखा सकते हैं। जैसे अभी आसाम की बात हुई थी, तो आसाम शब्द आ गया कहाँ से आ गया, आहोम से आ गया। तो आहोम राजा थे, और संस्कृत में एक सूत्र है स सजुषो रुहु, पाणिनि का सूत्र है, तो जिससे स का हो जाता है, तो इसलिए वो पहले आहोम था, उसके कारण वो आसाम हो गया। तो ये अलग अलग चीजें हैं, मैंने बहुत छोटी सी बात बताई लेकिन ये संस्कृत शिक्षा है जी। और सवाल लेते हैं जी, आपका सवाल। नहीं, एक इस पर जोड़ूंगा क्योंकि भाषा की बात आई और भाषाविद होने के नाते संस्कृत मैंने पढ़ी है। एक पहले तो हिंदी में उनकी बात का जवाब दूंगा कि जिसे फालतू समझकर बुझा दिया तुमने, जिसे फालतू समझकर बुझा दिया तुमने, उसी चिराग को जलाओ तो फिर रोशनी होगी। जिसे हमने बेकार समझ के कर दिया, आज देखिए आवश्यकता इस बात की हुई है कि अपनी भाषा की, अपने संस्कृति की, अपने धर्म की और अपने संस्कृत की। तो संस्कृत में है यो धुर्वाणी परितज्य, यो धुर्वाणी परितज्य अधुर्वाणी निषेवते, धुर्वाणी तस्य नश्यन्ति अधुर्वम नष्टमेव ही। जो निश्चित है आपके पास भाषा और संस्कृति, व्यवहार और संस्कार, उसको छोड़ के दुनिया में, तो दुनिया में 60 देश घूमना कोई आसान बात नहीं हुआ। 17 साल की उम्र से मैं घुमाऊं, थाईलैंड की राजकुमारी जब आई नालंदा में, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया और मैं मंक भी हुआ, बौद्ध मंक भी हुआ हूं, इन ऑर्डर टू लर्न द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। उनकी वजह से मैं गया और फिर अब तो घूमते ही रहता हूं। तो जो हमारी विरासत है, चाहे भाषा के नाम पे, पुरातत्व के नाम पे, इतिहास के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पे, उसको छोड़े ना बड़ी बड़ी चीजों में। इसीलिए बड़ा अच्छा संस्कृत का यह है कि यो धुर्वाणी परितज्य अधुर्वाणी निषेवते, धुर्वाणी तस्य नश्यन्ति अधुर्वम नष्टमे वही। नहीं तो जुमारे पास है वो भी चला जाएगा और वो तो ऊपर से मिलना नहीं है। इसलिए आप लोग युवा हैं और आपकी जिम्मेवारी है कि भावी पीढ़ी को पर्यटन के माध्यम से संस्कृति, संस्कार, और इससे केवल हम रोजगार नहीं मिलेंगे, हमारे संबंध दुनिया से बनते हैं, जिसको हम कहते हैं डिप्लोमेसी। पर डॉक्टर आलोक, क्योंकि आपने कहा आप खुद मंक भी रहे हैं, थोड़ा बताइए हम सभी के लिए कि एक लामा की जिंदगी, एक मंक की जिंदगी कैसे होती है। देखिए बौद्धों की परंपरा, या कहें मैं केवल बौद्धों की नहीं बात करता हूं, पूरे भारतीय की जो परंपरा रही है, हमारे यहाँ थे ना पहले जो शिक्षा, बुद्ध ने कहा अविद्या परम मलम, जो सबसे बड़ा मैल है मनुष्य का वो अविद्या है। तो हमारे यहाँ था कि जब पहले गुरुकुल होते थे, आपकी उम्र में लोग आश्रम में रहते थे, पढ़ते थे, भिक्षु हो जाते थे, भिक्षुणियां हो जाती। बौद्धों की परंपरा में है कि एक बार आपको भिक्षु होना है, चाहे थाईलैंड की राजकुमारी वो भिक्षुणी रही है, थाईलैंड के राजा रहे वो भिक्षु रहे, अरविंद आलोक है वो भी भिक्षु रहा है। चूंकि उसके होने से जीवन की जो दिनचर्या है, जो शासन है, अनुशासन है, वो सारे आपके अंदर में आ जाता है। फिर जब गृहस्थ आश्रम में पहुंचते हैं तो जीवन यापन के जो अलग अलग काम आपको करने पड़ते हैं, उसको भी बढ़िया से करने के लिए ये इस तरह की जो बुद्ध कहते हैं बड़ा, सब पापस्य अकरणम कुशलस्य अपसंपदा परियाद पदम एतम बुद्धान शासनम। बुद्ध ने भी एक शासन दिया, तो वो शासन के लिए अगर कोई लामा होता है, भिक्षु होता है, भिक्षुणी, एवं एक वीक के लिए भी, हमारे यहाँ एक सप्ताह की व्यवस्था है। आप विहार में देखिए, बुद्धिज्म को और जोड़ू, जो शब्द है विहार, जिसको हम कहते हैं ना घूमना, पाली का है, उसका मतलब ही होता है घूमना, उसको आप पर्यटन कह सकते हैं। बिल्कुल, आइए कुछ और सवाल जरूर लेंगे जी, आपका सवाल। जैसा कि हम बुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, तो बुद्धिस्ट सर्किट है जिसमें जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ, जहां उनकी मृत्यु हुई, वो सब एक तरीके से कनेक्टेड है। लुम्बिनी हो गया, बोधगया, सारनाथ, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश तवांग, और यहाँ पे कलिंगपोंग, तो हम किस तरीके से इनको मार्केट और प्रमोट कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट?
देखिए सवाल ये सर की सर की मैंने देखा था सर जो भिक्षु होते हैं सर वो सर जो बुद्धिस्ट रिलिक्स होती हैं उनके पास बैठ के सर ध्यान करते हैं और जैसे सर आजकल सर ये और सर ये सांची स्टूपा सर ये भी सर एक भिक्षु रिलिक है सर सर उन सर उनका सर सांची स्टूपा के तरफ लेके क्या व्यू है जी आपका सवाल जी हेलो सर माय क्वेश्चन इज दैट टूरिज्म इंडस्ट्री इज द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड सो अकॉर्डिंग टू यू अदर देन लैंग्वेज व्हाट आर द अदर स्किल वी शुड इनहेरिट जी बिल्कुल मैं आऊंगा डॉक्टर आलोक आपके पास लेकिन मैं क्योंकि प्रचार प्रसार की बात हुई है प्रणब जी मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर नेसरी भी कह रहे थे कई बार हमें चीजें नहीं पता होती तो जब इतना बड़ा खजाना है इसका प्रचार प्रसार का जिम्मा किसके पास है इसका प्रचार का जो जिम्मा है सबसे पहले तो दो तरह के प्रचार है एक है कि हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए प्रचार होता है जो कि हमारे देश में होगा उसकी जिम्मेदारी अपने अपने स्टेट की होती है जो स्टेट चाहता है टूरिज्म के लिए हमें बढ़ावा मिले तो वो स्टेट उसका प्रचार करे जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट प्रचार नहीं करते लोगों को नहीं पता लोग कम जा रहे हैं आपके सवाल के साथ इसलिए नहीं जा रहे कि लोगों को पता नहीं है तो वो मार्केटिंग एक्टिविटी है जो उसका प्रचार ज़्यादा करेगा वहाँ पर लोग जाएगा उसके साथ फैसिलिटी अवेलेबिलिटी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है और दूसरा प्रचार होता है इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो इंटरनेशनल टूरिज्म का जो प्रचार है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके लिए इनके ऑफिसेस खुले हुए हैं विदेशों में कई जगह और वो जो मार्केटिंग ऑफिसेस हैं उसको प्रचार करते हैं पिछले कुछ सालों में ये मार्केटिंग ऑफिसेज अभी बंद होने के कगार पर है क्योंकि उसकी रिकमेंडेशंस नहीं है कि वो अब जो सारे काम जो है यहीं से हुआ करेगा सेंटर से दिल्ली से हुआ करेगा जहां मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है और उसके लिए उन्होंने अलग से बजट एलोकेट किया है जिसके इलेक्ट्रॉनिक द्वारा और प्रिंट मीडिया के द्वारा और जगह जगह रोड शोज के द्वारा उसका प्रचार करेंगे उसके अलावा भी जो है होर्डिंग्स लगा के चारों तरफ प्रचार होता है फिर न्यूज़लेटर के द्वारा प्रचार होता है ये सारा जो है पूरे भारतवर्ष का जो प्रचार है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है और क्योंकि पर्यटन राज्य सब्जेक्ट आप कह रहे हैं स्टेट का दारोमदार ज्यादा है स्टेट का इंडिविजुअल होता है राजस्थान राजस्थान का करेगा नॉर्थ ईस्ट का करेगा जैसे आपने दिखाया इसी तरह केरला अपना केरला करता है गोवा अपना करता है तमिलनाडु अपना करता है बिल्कुल लेकिन ये स्टेट से करता है और ये टूरिज्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें से एक डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है जैसे आप लोगों को आएगी उसके बाद इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी होती है जैसे ड्राइवर हो गया गाइड हो गया सेलर हो गया यहाँ तक कि एग्रीकल्चरिस्ट भी होता है क्योंकि टूरिस्ट आते हैं वहाँ का खाना खाते हैं तो हर चीज कनेक्ट हो जाता है जी केरला की खूबसूरत तस्वीरें इस समय चल रही हैं डॉक्टर नेसरी आप जोड़ना चाहते हैं सवाल पहले पूछा था सस्टेनेबल टूरिज्म और साथ साथ ये भी दूसरा आगे कि प्रचार प्रसार ये दोनों एक्चुअली एक साथ चलेंगे इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन दोनों का एक्चुअली इसमें मेलजोल है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंतर्गत ICCR करके है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस तो भारत का जितना भी कल्चर है उसको विदेश में प्रचार प्रसार करना ये ICCR भी करता है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी करता है ये एक बात दूसरी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ साथ में बाकी डिपार्टमेंट्स है वो भी करते हैं जैसे अभी मेडिकल टूरिज्म की बात हुई थी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक नेशनल बोर्ड फॉर मेडिकल टूरिज्म करके एक नेशनल बोर्ड बनाया लेकिन ये मेडिकल टूरिज्म का बोर्ड बनाते समय उसमें केवल डॉक्टर्स नहीं है क्योंकि उसमें सारे सेक्टर्स आते हैं जैसे आपने बात करी कि सुविधा साधन सुविधा होनी चाहिए उसमें ट्रेन होनी चाहिए एयरपोर्ट होनी चाहिए उनको पासपोर्ट मिलना चाहिए पूरा इंटीग्रेटेड होना जरूरी है तो ये सारा जो इंटीग्रेटेड है तो गवर्नमेंट हैज टेकन एन इंटीग्रेटेड अप्रोच कि सबको साधन सुविधा मिले सेफ्टी हो सेफ्टी के लिए केवल सेफ्टी मतलब टूरिज्म की अपेक्षा नहीं तो इवन जो अलग अलग चाहे होटल्स हो चाहे वो स्पा हो चाहे और कुछ हो हॉस्पिटल्स हो तो सबके स्टैंडर्ड्स तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार उसके स्टैंडर्ड्स बनाए और उनके मानक के अनुसार उसको सर्टिफिकेशन दे और ये सारा हम वेबसाइट पे डाले तो ये अलग अलग चीजें जो है वो मिनिस्ट्री ने अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने करी है मैं केवल जोड़ूंगा मार्केटिंग का इसके पहले कि भूल जाऊं मार्केटिंग इसकी कैसे करेंगे ये ठीक है कि सरकार प्रचार करती है और मैं भी सरकार का ही हिस्सा हूं लेकिन केवल सरकार के प्रचार तंत्र के माध्यम से रहेंगे तो पर्यटन का सम्यक विकास नहीं होगा आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक एक मोनास्टी की मैं बात कर रहा हूं जहां 10,000 लोग रहते हैं बहुत सारे उसमें मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं
बड़े बड़े लोग शामिल हैं, वो जाते हैं और हमारे पर्यटन की सुविधा को बताते हैं। सबसे बड़ा जो मार्केटिंग है वो लोग करते हैं। बिल्कुल, और जहां अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है तो हम सभी अपनी धरोहर को लेकर बहुत गौरवान्वित महसूस करें। जहां जाएं, जैसे किसने कहा, आप ट्रैवल राइटर हैं, मेमोयर्स लिखें, शेयर करें, हमारे भारत का गर्व है हमें इस धरोहर पे। लेकिन जब आपने विदेशों में ट्रैवल किया डॉक्टर आशुतोष, तो वहां की कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम बोरो कर सकते हैं? जी देखिए, सबसे जो मार्केटिंग, इतनी सारी बातें हो रही हैं, टूरिज्म को मार्केट करने का सबसे आसान उपाय क्या है? वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। जो भी आपके पास टूरिस्ट आ रहा है उसको अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन दीजिए, उसके उसके जितने भी जहाँ भी जा रहा है वो 100%। अब एक देखिए, नया एक डेवलपमेंट हुआ है, मैं बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सिंगापुर में एक ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर ने एक चीज़ क्वाइन किया है जिसको न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह यूज करते हैं। जैसे आप ताजमहल गए तो ज़्यादा धड़कन आपकी तेज़ हो जाएगी, 8 out of 10 आपको मिल जाएगा। अच्छा। उनका सेटिस्फेक्शन लेवल ऐसे मापा जा रहा है। हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे मापते हैं? हम क्वेश्चन आयर देते हैं उसमें यस नो करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी, उससे होता क्या, फायदा क्या होता है कि आपको एक ट्रू फीडबैक मिल रहा है कि आप उस पर्टिकुलर प्लेस पे गए यू फील वेरी थ्रिल्ड, अगले प्लेस पे गए थोड़ी सी आपकी जो एक्साइटमेंट लेवल थी वो कम हो गई, उससे अगले गए फिर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। तो उससे क्या होता है, जब तक हम बेसिकली क्या करना है मार्केटिंग में, होता क्या है कि लोगों की डिमांड को आइडेंटिफाई करना है एंड वी हैव टू फुलफिल इट। जी, हमारे पास सिर्फ 60 सेकंड बचे हैं, मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप बताइए, पर्यटन पर्व चल रहा है, 25 अक्टूबर समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, क्या एक इनोवेटिव सॉल्यूशन भारत जरूर अपनाए? जी, पर्यटन पर्व का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे लोगों के बीच में पर्यटन का प्रचार हो। उसमें दो चीजें होती है, एक तो हम नए पर्यटक बना रहे हैं और दूसरा इस पर्यटन उद्योग में कितनी जॉब्स हैं, कितनी नौकरियां उत्पन्न होती है, इसलिए यंग लोगों को ये दिखाई दे कि भैया हमें इस ट्रेड को मैं ज्वाइन करूं तो मेरे को यहाँ लाभान्वित हो सकता है। नौकरियां नहीं डॉक्टर नेसरी, इसमें स्टार्टअप्स भी आ सकते हैं क्या, रोजगार का सृजन? इसमें स्टार्टअप भी आ सकते हैं, इसमें एक्चुअली हमने पहले स्टैंडर्ड्स डेवलप करने चाहिए। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ केरला का, कि केरला ने जो सैंड एंड सी इसको जोड़ा मेडिकल टूरिज्म के साथ में, और उसके साथ में अनेक उसमें स्टार्टअप शुरू हो गए, अनेक उसमें वो हॉस्पिटल स्टार्ट हो गए, वेलनेस सेंटर स्टार्ट हो गए, और हर होटल में एक्चुअली एक एक वेलनेस सेंटर स्टार्ट हो गया, जिसके कारण बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी वहां पे क्रिएट हो गए, और इसके लिए उन्होंने वो सिल्वर लीफ, ग्रीन लीफ इस प्रकार से स्टैंडर्ड बनाए। एंड स्टैंडर्ड बनाएंगे तो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्रेडेंशियल्स बेहतर साबित कर पाएंगे। क्या मैं तो सोल्यूशन तो बहुत सारे हैं, उस पर तो वक्त लग जाएगा। इसके पहले कि समाधान पर कुछ बात करूं, पर्यटन पर एक पंक्ति कहता हूं कि सुबह जिंदगी शाम जिंदगी, सुबह जिंदगी शाम जिंदगी, ये जिंदगी गुमनाम जिंदगी, पर्यटन जिसे कहती है दुनिया सचमुच उसका नाम जिंदगी। बहुत खूब आशुतोष जी, पर्यटन के साथ इंश्योरेंस को भी जोड़ना होगा कि जो आए उसकी सुरक्षा पूरी रहे। जी, एक तो इंश्योरेंस हो गया और एक सुरक्षा होगी, डिफरेंट चीज हो गई। हमारी जो पॉलिसी है उसमें 6A's का उसमें उल्लेख किया गया है, उसमें सुविधा है, उसमें संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुरक्षा है, सफाई है, इन सब चीजों को उसमें फोकस किया गया है। इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई वो अलग हो गई, उस अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग पॉलिसीज होती है। जो इंटरनल सिक्योरिटी है, अभी आपने सारे बच्चों ने भी फील किया होगा कि फ्रॉम द लास्ट 3 years काफी स्ट्रेंथन हुई है। पहले क्या हुआ करता था, हर महीने कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, हर महीने कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाएं होती थी, उससे कंट्री का रेपुटेशन काफी डेंटेड हो गया था। अब क्या है, एक्सेप्ट वन थिंग जो पठानकोट में हुआ था, फ्रॉम द लास्ट 3 years हमने कोई टेररिज्म एक्टिविटी देखी है ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी। जितना शांति प्रिय वातावरण रहेगा उतने ही पर्यटक आएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, चलते चलते कहां जाना चाहेंगे, अब आज जब कार्यक्रम हुआ है दिल में क्या उमंग है, किधर जाना चाहेंगे भारत में घूमने? सर मैं कश्मीर जाना चाहूंगा, क्योंकि जैसे उसे हेवन ऑफ अर्थ कहते हैं। एब्सोल्युटली जी, कहां जाना चाहेंगी मैम? जी आपके साथ जो बैठी हैं। मैं केरला जाना चाहूंगी क्योंकि वो गॉड्स ओन कंट्री है। अकेले परिवार के साथ या दोस्तों के साथ? परिवार के साथ। जी कहां जाएंगे? मैं पूरा हिमाचल को एक्सप्लोर करना, हिमाचल शिमला सोलन पूरा। बहुत खूब, तो चलिए इस तरह के प्लान आप भी बनाते रहिए और आज कार्यक्रम में आके हमें मोटिवेट करने के लिए कि हम पर्यटन से जुड़े। और जैसा आपने कहा, पर्यटन ही जीवन है और ये जो नया चिराग है, शायद ये युवा जो है ये उस चिराग को जरूर जलाएंगे और उजाला होगा। आप सभी का पर्यटन पर्व पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।